दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो गया है, लेकिन पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया। वेलिंगटन में बारिश हुई और करीब 2 घंटे मैच शुरू होने के इंतजार किया गया, लेकिन मैच शुरू नहीं हो सका और अंत में इसे रद्द करना पड़ा। कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मैच के बाद बात की और कहा कि हम सभी वर्ल्ड कप की हार को भुला चुके हैं। कप्तान हार्दिक पांड्या ने, हम सभी यहां खेलने के लिए काफी उत्साहित थे, लेकिन दुखद बात है कि मैच हो नहीं पाया। हार्दिक बोले कि खिलाड़ियों ने काफी आईपीएल खेला है, ऐसे में हर कोई प्रेशर झेलना चाहता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैनेजमेंट और कप्तान का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने सीनियर प्लेयर्स के बारे में ऐसा क्या बोल दिया? दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने इसके साथ ही भविष्य पर भी बात की। उन्होंने कहा, युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका है। यह सीरीज नए खिलाड़ियों का रोल तय करने में मददगार साबित होगी। इस सीरीज के लिए कप्तान बने हार्दिक पांड्या ने कहा कि आगे की चीजें तय होंगी, अगर जरूरत पड़ती है तो मेरा और अन्य सीनियर प्लेयर का कुछ दूसरा रोल भी हो सकता है और हम उसे निभाने के लिए भी तैयार होंगे। गौरतलब है दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद टीम इंडिया में सीनियर प्लेयर्स के रोल और जगह पर सवाल खड़े हुए। साथ ही मांग हुई कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को या तो खेलने का तरीका बदलना चाहिए वरना T20 से संन्यास लेना चाहिए। इस बहस के बीच हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बनाने की भी मांग हो रही है। हार्दिक पांड्या ने यहां ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली हार पर भी बात की। हार्दिक पांड्या ने कहा कि अब हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं, हमें उस दुख हमेशा रहेगा, लेकिन हम वापस जाकर चीजों को बदल नहीं सकते हैं। अब हमारा फोकस भविष्य पर है। बता दें कि अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 में होना है, जबकि उससे पहले 2023 में वनडे का कब भी होना है। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।